गरीब और किसान के लिए संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं आभार देना चाहूंगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अब हम सबको संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, किसान भगवान की। मन पर विराजमान हमारे जिनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार हमारे अध्यक्ष जी का भी दोनों हाथों पर उठाकर ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनका भी स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय धान सिंह जी, गौरी शंकर बिसेन जी, अजय स्तोई जी, बहन संपत्या जी, विनोद जी, कन्हैया राम जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, नंदिनी बराबी जी, संदीप जायसवाल जी, मुनमुन राय जी, प्रणय पांडे जी, देवी सिंह सयाम जी, रामकिशोर कावरे जी, मेरे मंत्री साथी राकेश सिंह पाल जी, जारम सिंह पटेल जी, अभिलाष जी, जीएस ठाकुर जी, सभी हमारे, क्योंकि मंच ज्यादा भरा पूरा, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारी का, और दोपहर से ही इस कार्यक्रम में बैठे हुए मेरे बहनों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के और सीध झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन जब हम सीध झुका के जनता को प्रणाम करते हैं तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है। सुन लो कमलनाथ, ये घुटने टिकते हैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने, उसको साष्टांग होकर मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जनता ही मेरी भगवान है, जनता से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अलग सरकार चल रही है, ये सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन गुंडा माफिया और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। जनता के लिए सब समर्पित है, लेकिन गुंडे, माफिया, दादा, बदमाश, मसल पावर वाले, ये जितने माफिया है इनको मसल के रख दूंगा, ये मध्य प्रदेश में पनप नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। आजकल आप देख रहे हैं सब जगह गुंडों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सफेदपोश माफिया पकड़े जा रहे हैं, नशे के कारोबारियों को भी नहीं छोड़ूंगा, जमीन में जितने सरकारी हथियारी है, बड़े बड़े लोग, गरीबों की बात नहीं करता, उनकी आर्थिक कमर तोड़ कर रख देंगे और जब कब्जे किए वो जमीन वापस प्रशासन ले रहा और लेगा। बताओ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक सौ समाधान सब कहना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता के लिए मेरी सरकार, अरे कमलनाथ जी जनता के लिए घुटने टोकेंगे लेकिन माफियाओं को ठीक कर देंगे। लेकिन आज तक बड़ा किसान प्रेम जाग गया है कमलनाथ जी के मन में भी, दिग्गी राजा के मन में भी, वो कह रहे हैं हम किसान के समर्थन में उपवास करेंगे। अरे वाले उपवास रखने वालों, अगर उपवास रखना तो पश्चाताप करो, पाप किए तुमने, पाप किए तुमने। ये दस्तान दिव्य सिंह मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक सिंचाई की योजना कंप्लीट नहीं की थी और न किसान को कुछ दिया था, और मैं कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, सवा साल का वनवास हो गया था, अब फिर लौट के आया हूं, कोरोना के माहौल में मुख्यमंत्री बना, अर्थव्यवस्था चौपट थी, पैसा देना थे नहीं, लेकिन तब भी सरकार ठीक से चलाने की कोशिश करी। लेकिन एक दिन मैं फाइल पलट रहा था तो मैंने देखा मध्य प्रदेश के किसानों के कमलनाथ जी जवाब चाहता हूं, जबलपुर में खड़ा हूं, फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करने थे जिसमें किसान का हिस्सा भी शामिल था, एक उपवास करने वाले कमलनाथ जी वो 2200 करोड़ रुपया तुम खा गए, प्रीमियम के पैसा जमा नहीं किए, और प्रीमियम के पैसा जमा नहीं किए
तो किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। आप जरा ईमानदारी से आज बताना, जिनने किसान के प्रीमियम के पैसे जमा नहीं किए उन्हें पाप किया कि नहीं किया बताओ। अरे जोर से बताओ, किया कि नहीं? आज किसान स्वयं उमड़ रहा है। तब कहा गए थे तो बड़े वचन दिए, वादे किए, कर्जा माफ कर देंगे। दिल्ली से आए थे राहुल गांधी, गिन गिन के कहते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और 10 दिन में नहीं किया तो 11 दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। हम उस चक्कर में कई रेगुलर किसान डिफाल्टर हो गए। ब्याज की गठरी सर पर रखी है, ये ब्याज की गठरी रखने का पाप कमलनाथ तुमने किया है। यदि शिवराज सिंह चौहान किसान भाइयों ये वचन देता है, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठरी आपके सिर पर रखी है उसको मैं किसानों के सिर से उतार के आपको दूंगा। ऊपर से लेके नीचे तक तुमने कर्ज में डुबा दिया। 0% ब्याज कम कर्जा देते थे, वो कर्जा देना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनने योजना बनाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फकीर सिंह जी बता रहे थे किसानों को 6,000 रुपया देने का फैसला किया। और छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, 1 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, 6,000 रुपया हर साल। कमलनाथ का जवाब मांगा बस, ऊपर से बैठो तो जरा अंतरात्मा में झांक के देखना और जवाब देना मुझे। ये कमलनाथ दादा ने पूरी सूची नहीं भेजी दिल्ली प्रधानमंत्री के पास किसानों की, क्योंकि उनको लगता था कि अगर खाते में राशि डल गई तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि जिस पर तुम्हारा कुछ नहीं रखना, अरे हींग लगे ना फिट करी, रंग चढ़े चोखा, देने वाले दिल्ली में बैठे, तुम्हारा क्या बिगड़ना था? तुमने सूची तक नहीं भेजी। आप बताओ, ये सूची नहीं भेजते कमलनाथ जी ने पाप किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ, किया कि नहीं किया? अब उस बात को बैठो तो प्रायश्चित करो। हमने पूरी सूची बनाई कंप्लीट की, और जब मैं सूची बना रहा था तब मेरे दिल ने कहा कि शिवराज 6,000 तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तुम भी चौथी बार बोलियो मामा 4,000 तुम भी डाल दो। तो हमने तत्काल फैसला कर दिया कि 6 नहीं, मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपया हर साल मिलेंगे। और किसान भाइयों, अलग अलग साइकिल में हर किसान के खाते में पैसा आएंगे। आधा एकड़ जमीन हो तो देंगे, पाव एकड़ जमीन हो तो देंगे, कोई किसान नहीं छूटेगा भाइयों। और आदिवासी भाई अगर 10 कट्टे की जमीन है तो भी देंगे, हर किसान के खाते में पैसा आएगा। और ये तो अभी सगुन का है, जरा कोरोना जा रहा है, कड़की में था, जरा हालत और कुरकुरी हो जाने दो, और कसम नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना। अभी 16 तारीख 18 तारीख मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, पिछले साल राहत की राशि नहीं बांटी, अब उपवास करने बैठ रहे हो। 18 तारीख के दिन किसान भाइयों, 35 लाख किसानों के खाते में जिनका फसलों को नुकसान हुआ था 1600 करोड़ रुपया डाले जाएंगे। 1600 करोड़ रुपया हर पंचायत में कार्यक्रमों का अध्यक्ष मेरे बैठे निर्देशित किया। विधायक साथियों, आप जाओ अपने विधानसभा के विकास कर्मी मुख्यालय में, जिला पर मंत्री जाए और पंचायत में भी कार्यकर्ता बैठे, ये किसान कानून भी वहां समझाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे, बाकी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। किसान भाइयों, कोई कसर किसानों के कल्याण में नहीं छोड़ेंगे। और ये रात की राशि अलग है, फसल बीमा योजना का पैसा अलग मिलेगा, लेकिन अब उनको दर्द हो रहा है जिनने किसानों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है। राहुल गांधी जगे दिन से चौकीदार चोर है, तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक उठ नहीं पाए ढंग से। और अब फिर कहने लगे मोदी जी ने चोरी कर ली किसान कानून। अरे जानते हो किसान कानून है क्या? खेती के बारे में जानते हो? किसानी के बारे में जानते हो? अरे राहुल बाबा, तुमको तो ये भी पता नहीं है कि ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, गुड़ गन्ने से बनता है कि मशीन में से निकलता है, और तुम हमें खेती की बात बता रहे हो?
गांव देखे नहीं, गांव की गलियां देखी नहीं, खेत देखे नहीं, खेत की पकड़ियां देखी नहीं, कीचड़ देखी नहीं, धूल देखी नहीं, तुम खेती की बात करोगे? मेरे बहन और भाइयों, आज विरोध हो रहा है मोदी जी का, भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैली जा रही है, और ऐसे ऐसे लोग घुस गए किसान आंदोलन में जो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं किसान भाइयों, क्या ये किसान कानून, पहला किसान कानून जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया इस कानून में कि किसान की मर्जी, वो चाहे अपनी फसल को मंडी में बेचे और चाहे तो मंडी के बाहर बेचे, कोई उनके खेत पर खरीदने मटर आ जाए, अब मेरी मर्जी अगर अच्छा रेट मिल रहा है मुझे मटर का, तो बताओ मुझे खेत में बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पकड़ पकड़ के जल्दी मंडी में जाओ, अभी जाता मंडी में जाओ, मंडी के बाहर अगर बैंक किया तो ये बिक्री अवैध होगी, व्यापारी पकड़ लिया जाएगा, मंडी टैक्स की चोरी का आरोप लगेगा। अब ये कानून कहता है मंडी में जाना है तो मंडी में जाओ, और कोई व्यापारी आ गया मेरे पास, घर बैठे आ गया और घर आके कहा कि तुम्हारी धान में 3,000 रुपया मैं खरीदूंगा, तो मैं घर से क्यों ना बेचूं? बताओ मुझे अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में बेचूं, खेत में बेचूं, कोई फूड प्रोसेसर आए और अगर वो कहे मेरे कारखाने पे मैं ले रहा हूं मैं उसको बेचूं, कोई एक्सपोर्ट करने वाला आए मैं उसको बेचूं, मेरी मर्जी में जिसको चाहूं बेचूं, कोई वेयरहाउस पे खरीद ले, कोई और बीच में लाइसेंस लेकर कांटा लगा के खरीद ले, तुम्हें तकलीफ क्या और दिक्कत क्या है? मंडी चालू रहेगी, ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि मंडी बंद हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान आपसे कह रहा है कोई ताकत मंडी बंद नहीं कर सकती, मंडी चालू रहेंगी, मंडी चालू रहेंगी, मंडी में अच्छा लगता मंडी में बेचो, लेकिन भैया मंडी में लाई लगी दो दो चार चार दिन और उठाया और ऐसे ऐसे उछाला और काल भाव, हम नहीं बेच रहे मंडी में, मेरे घर बेच रहा है, तो तुम दाल भात में मुसलचन क्यों होते हो, कौन होते हो? अरे कहीं बैठे किसान, अपनी मर्जी का मालिक किसान को बनाया है, तो इस बिल में कि तुम्हारी मर्जी, जहां चाहो बैठो, गांव में, खेत में, फैक्ट्री पे, राज्य में, राज्य के बाहर, किसान अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पूरे देश में ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी बैठे, अब पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, मंडी बंद कर देंगे। एक नेता कहेंगे कांग्रेस के मंडी का काम ठप हो गया, आए फिर गई, अरे आए काय में कर गई, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1.70 रुपया मंडी टैक्स करता था घटा के कर दिया 8, तो घट गई आए, अरे किसान के भले के लिए किया हमने मंडी टैक्स घटा दिया हमने, तो मंडी की आय घटेगी, किसान की जेब काट के हमें आय नहीं बढ़ानी बहनों और भाइयों। और ये पहला कानून, ये फिर समझ लेना, अभी तक जब तक ये कानून नहीं था कहीं मंडी के अलावा किसान बेच नहीं सकता था, अब वो स्वतंत्र है कहीं भी बेचे। बताओ ये कानून अच्छा है कि नहीं? पीछे तक दायरा से बताओ अच्छा है कि नहीं? और जोर से बताओ अच्छा है कि नहीं? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? अब ये पहला कानून हम कहीं भी बेचे। और दूसरा कानून सुन लो भैया, मटर बोते समय अगर कोई कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता और कहता कि मैं 1,000,000 रुपया तुम्हारी मटर खरीदूंगा, बोली के समय अगर आपको भाव पता चल जाए और आप समझौता कर लें, आज तो जुआ है, जब बोया तो पता चला सोयाबीन 5,000 रुपया क्विंटल, और जब कट के घर आया तो पता चला 2,000 रुपया क्विंटल, किसान ठगा जाता है। लेकिन बोते समय पता चल जाए कि मुझे ये भाव मिलेगा और व्यापारी से कॉन्टेक्ट करके किसान अपनी फसल बेच दे, उसको ये विश्वास है कि मुझे अच्छी कीमत मिल रही है, तो बताओ ये अच्छा है कि नहीं? जोर से बताओ अच्छा है कि नहीं? अरे बेच दे लो, मेरी मर्जी, अगर मैं बोते समय मुझे कीमत जमती है तो मैं उस पर कॉन्टेक्ट करूंगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट से व्यापारी पलट नहीं सकता। मध्य प्रदेश के पिपरिया में एक व्यापारी ने राइस कंपनी, दिल्ली की राइस कंपनी,
3000 कुंटल रॉयल खरीदा का खरीदा नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया, बाद में व्यापारी बदल गया, एसडीएम ने बुलवाया और 3000 रुपया कुंटल के दाम इस कानून के तहत दिलवाए, इस कानून के तहत दिलवाए, फिर बदल नहीं सकते। और रेट ज्यादा बढ़ जाए तो व्यापार और रेट ज्यादा बढ़ जाए तो किसान को ये कानून में क्लॉज है कि उससे बाहर निकलने का अधिकार है। तो बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बुराई है क्या? राज और जनता बुराई है क्या? लेकिन उनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये कानून क्यों बन गया। वो कंपनी जमीन पर कब्जा कर लेगी, अरे घुस के तो देखे कहीं कंपनी, कहीं की कंपनी किसान के खेत में मार कट धूरा जला देंगे। बताओ तुम्हारे गांव कोई कंपनी आ जाए तो जमीन छीन लेगी क्या? कोई ताकत छीन नहीं सकती आपकी जमीन। और तीसरे कानून में इस बात की व्यवस्था है कि कोई व्यापारी जितना चाहे खरीदे, कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। अब तक स्टॉक लिमिट थी कि प्याज 50 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकते, चना 1 क्विंटल से ज्यादा नहीं खरीद सकते। जब लिमिट लगती थी तो व्यापारी ज्यादा नहीं खरीदता था, ज्यादा नहीं खरीदता था तो कीमत गिर जाती थी। अब मोदी जी ने स्टॉक लिमिट हटा दी, कितनी भी चाहो खरीदो किसान के उत्पाद को तो कीमत ज्यादा बढ़ेगी। बताओ इस कानून में कोई बुराई है क्या? तो किसान भाइयों, ये तीनों कानून है। आज मैं आपसे फिर एक बार पूछ रहा हूँ, सामने बाएं दाएं बताओ ये कानून किसान के खिलाफ है क्या? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? आओ हम संकल्प लें कि मोदी जी, मध्य प्रदेश के किसान आपके साथ खड़े, जबलपुर के किसान आपके साथ खड़े, महाकौशल के किसान आपके साथ खड़े, अपनी अपनी जगह खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के, और मीडिया वालों हमारी सूरत क्या दिखा रहा है यार, किसानों को दिखाओ, जरा उधर फेर लो, उधर वो कर लो अपने कैमरे का, ये 1000-2000 किसान खड़े दोनों हाथ।